ऐसे पहले सिफतुल्ला आप दो मिनट में जल्दी बात करें। सिफतुल्ला साहब प्लीज क्विक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आज आपने मुझे पॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं आपकी इस ऐवान की तवज्जा एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, 4 जून 2021 को इस्लामाबाद की पुलिस, CIA और CTD मेरे हलके के 14 साल का एक बच्चा हसन खान, जिसका ताल्लुक मेरे हलके से है, उसको कॉल करते हैं कि आपको हम तफ्तीश के लिए बुलाते हैं, आप थाने आ जाए। उनकी वालिदा उस बच्चे को साथ लेकर चली जाती है, 15-20 मिनट उससे तफ्तीश होती है, फिर उसको कहा जाता है कि आप लोग चले जाए। जून ही ये फैमिली वहाँ से निकलती है तो जनाब स्पीकर दोबारा उसको CTD के एहलकार उसको दोबारा अरेस्ट करते हैं और जनाब स्पीकर 8 दिन बाद उसकी लाश उनके वरसा को मिल जाती है। उनको कॉल किया जाता है कि आप आए, आपके बेटे की लाश पोली क्लिनिक में पड़ी हुई है और उसको ये रंग दिया जाता है कि इसको बुखार हो गया है और ये बुखार की वजह से इसकी डेथ वाक़ हो जाती है। जनाब स्पीकर, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले 2 साल पहले कराची में भी एक वाकया हुआ था। सिफतुल्लाह साहब, मुख्तसर मैंने चूंकि आपको टाइम दिया, आपका सेंसिटिव था क्योंकि मैंने आपके बजट पे चलना है। मैंने आपने जो मेरे साथ बात की थी, मैंने IGP से बात कर ली है। मैं कल IGP को बुलाता हूँ और उसको जो है ना फिर जो जो इशू है आप उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट सर। जनाब स्पीकर, हमें गिला इसका है कि 4 दिन हो गए हैं नेशनल मीडिया इस इशू को नहीं उठाया, इसने कोई नेशनल TV पर यह मसला नहीं उठाया गया, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारा गिला है हमारी नेशनल मीडिया से कि हमारे लोगों का जब कत्ल हो जाता है तो ये मीडिया खामोश हो जाती है, अपोजिशन वाले खामोश हो जाते हैं। एक बंदे को कल मैं IGP साहब को बुलाता हूं, उनसे मैं जो स्पीकर हम जी, अपने हल्के के जी थैंक यू खान के लिए खत्म हो गया जी प्लीज। अब मैं छुट्टी की दरख्वास्त है मिस हिना रब्बानी कर, मोहम्मद महमूद बासित बुखारी, सईद आयाज अली शाह शिराजी, चौधरी अमीर सुल्तान चीमा, मिस्टर मोहम्मद जमालुद्दीन, मीर आमिर अली खान मक्सी, प्रोफेसर डॉक्टर शहनाज बलोच, मिस्टर मोहम्मद याकूब शेख, एज रिक्वेस्टेड फॉर द ग्रांट ऑफ लीव, इज लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड जी। मियां शाहबाज शरीफ साहब प्लीज। जी जी, बजट पे, बस बजट पे जी, बजट पे स्पीच होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। मैं बजट को बायस रिलीफ होना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर आप शाह साहब वो बजट स्पीक कर रहे हैं, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे जी। इंतहाई बायस तकलीफ है जनाब स्पीकर, ना करें प्लीज, कि अगर आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। जनाब स्पीकर, काश दिन रात रियासते मदीना का जिक्र करने वाले और रियासते मदीना की मिसाल देने वाले जनाब स्पीकर हुक्मरान, गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों का अपनी मदद का हाथ देते। जनाब स्पीकर, काश के वो यतीम, बेवा और मजलूम और यतीम का हाथ थाम लेते और उनकी दुआएं लेते, मगर जनाब स्पीकर ऐसा नहीं हुआ।
और अगर हुकूमत के बकौल ये बजट देखिए का बजट है, मैं दोनों हाउस से देखे, अगर हुकूमत का ये रिक्वेस्ट ये है कि एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे की बात को सुने प्लीज। तरक्की और खुशहाली आई है तो फिर जनाब स्पीकर वो तरक्की ना करे, किसकी ना है, ना करे प्लीज सर, ना करे। क्या वो तरक्की बनी गाला के मोहल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की मैं साहब मैं एक और हवाइयों की तरक्की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गरीब बजट का इजलास है, इसमें आप कोशिश करें कि एक दूसरे को नुक्ता नजर को सुना जाए प्लीज। गुर्बत बेरोजगारी और एक दूसरे के मुफलिसी में झुल गए हैं, झुलस गए हैं और उनको बेचारों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है। जनाब स्पीकर मुझे कहने दें कि ये बजट इकोनॉमिक ग्रोथ का ढंडोरा पीटा जा रहा है, खुशामदियों और हवारियों और चंद लोगों होल्ड कर जी प्लीज, यू एक मिनट, मैं एक मिनट, मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन से, मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन से दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करें एक दूसरे को नुक्ता नजर को सुने। मैं आपके जो वेब साहिबान है, मैं इजलास अटेंड करता हूं, पहले आप आपस में बैठे एक दूसरे को सुने, एक ये सीरियस इजलास है, मेहरबानी करे ये एक दूसरे को सुने प्लीज, एक दूसरे को सुने। इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं सकता। आप जो है ना एक आपस में आप बैठ जाएं, आप नहीं, मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूं, 20 मिनट के लिए आपस में बैठ के तय करें कि क्या तरीका कार करना।